अनोखी सोच, जब नाम ही अनोखा है तो काम भी जरूर अनोखा ही होगा। जी हाँ, इस संस्था का काम भी अनोखा है। एकल परिवार, जरूरतमंद परिवार एवं लावारिस शव या जिसके साथ कोई नहीं है, ऐसे शवों का धार्मिक रीति रिवाज से अंतिम संस्कार का कार्य हो, अथवा गरीब परिवार के बिटिया के विवाह का कार्य, बीमार व्यक्ति के इलाज हेतु आर्थिक सहायता सहित कोरोना के दौरान निःशुल्क भोजन एवं अनाज वितरण, कई तरह की अलग अलग गतिविधियों में यह संस्था अग्रणी है और ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। यही नहीं, सांस्कृतिक गतिविधियों को संचालित करते हुए स्थानीय प्रतिभाओं को एक मंच उपलब्ध कराने का कार्य भी इस संस्था ने किया है। लगातार अपने अलग अलग कार्यों द्वारा इस संस्था का नाम हमेशा लोगों की जुबान पर रहता है। कोरोना संक्रमण काल में शहर की अनोखी सोच संस्था के द्वारा जनहित में अनेकों कार्य किए गए। वहीं निर्धन कन्या की शादी कराने के लिए अंबिकापुर की अनोखी सोच संस्था आगे आई है। समाज सेवी संस्था के द्वारा सामाजिक रीति रिवाजों से अपने खर्च पर शादी कराई गई। दरअसल अंबिकापुर शहर की रहने वाली युवती का माता का देहांत बचपन में ही हो गया था और युवती के पिता की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। युवती का लालन पालन उसकी बुआ किया है। आज की महंगी शादी और उसका खर्च उठा पाने में बुआ असमर्थ थी। इसी दौरान परिवार के लोगों ने अंबिकापुर की अनोखी सोच संस्था से संपर्क कर अपनी परेशानी बताई। तो हमारे जगह पैसा ऐसे, लड़की की बाप मानसिक हालत ठीक नहीं है, पागल टाइप का है और लड़की के माँ नहीं है। लड़की को पालन पोषण मतलब हम ही लोग किए हैं और भाई उन लोग का शादी ब्याह करने के लिए थोड़ा वो चीज़ नहीं था हम लोग के पास। अनोखी सोच संस्था से हमारे सूर्य प्रकाश भैया से वो चीज़ परिचय किए, फिर उनके संस्था से उनका माध्यम से उनका शादी किया जा रहा है। सब कुछ उन्हीं लोग के ओर से किया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे मदद किए और उनका वो संस्था और मतलब तरक्की करे, उनके सभी मदद किए हैं, उनका और तरक्की होए और बहुत अच्छा है ये संस्था हम लोग के लिए। जितने गरीब हैं उनका मदद करते हैं हमारे अनोखी सोच संस्था सूर्य प्रकाश देव। संस्था के सदस्यों ने मिलकर कन्या का विवाह कराने का जिम्मा लिया और कन्या का विवाह शहर के वनेश्वरी मंदिर में कराया गया। संस्था के द्वारा पूरे रीति रिवाज के साथ कन्या का विवाह कराया गया है। साथ ही शादी समारोह में शामिल होने आए सभी लोगों के लिए भोजन एवं नाश्ते की व्यवस्था कराई गई है। यहाँ शादी हो रहा है गरीब परिवार की, अनोखी सोच वाले मदद सहयोग करके पूरे कर रहे हैं। उसके माध्यम से सभी को आए हैं यहाँ पे हम लोग जो देखने, उनका पूरा आशीर्वाद देने सब पहुँचे हुए हैं। हमेशा रहते हैं खड़े इन लोग, किस तरह से करते हैं? बहुत अच्छे से करते हैं इन लोग। एक बार हम लोग अगर सिर्फ बुलाते हैं और कह देते हैं जाके, उनके मतलब बोलना भर रहता है, बाकी सभी खड़ा हो जाते हैं, इकट्ठे खड़े हो जाते हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ और बहुत अच्छे से उन तरक्की करें और बढ़े, जिसमें हम गरीब जैसे जैसे गरीब परिवार को जैसे मदद करते हैं वो और अच्छे से मतलब मदद करें उनका, अब इनका खूब फरे फूले खूब अच्छे रहें। संस्था के द्वारा शादी समारोह में शामिल बच्चों को उपहार दिए जा रहे हैं। संस्था के द्वारा इससे पूर्व भी जनहित के कई कार्य किए जा चुके हैं जिनकी सराहना पूरे शहर भर में की गई। वहीं शादी में शामिल होने आए लोगों ने भी इस संस्था की खूब तारीफ की है। साथ ही बताया गया कि किसी भी समस्या में या किसी भी काम पर संस्था के द्वारा पूरा सहयोग दिया जाता है। संस्था में उम्मीद लेकर आए लोगों को संस्था के द्वारा कभी निराश नहीं किया जाता है। संस्था के सदस्य सदैव सबकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। संस्था के सभी लोगों को शादी समारोह में शामिल होने आए लोगों ने आशीर्वाद देते हुए सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। आज हमारी संस्था अनोखी सोच की तरफ से एक शादी करा रहे हैं जो निर्धन कन्या हैं, जिनका नाम प्रियंका दास है और उनकी माता जी की डेथ हो चुकी है बचपन में ही। उनके पिताजी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। इस सूरत हाल में इनके बुआ और इनके फूफा और फूआ जो हैं ये लोग इनका देख रेख किए हैं और आज इन्होंने एक लड़का देख के शादी लगाया और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने हमारी संस्था से संपर्क किया और हम लोगों ने
आके और सारा खर्च उठाते हुए और ये शादी संपन्न करा रहे हैं। यहाँ जो है खाने पीने का है, सभी लोग जितने लोग आए हैं गेस्ट उनके खाने पीने का है और बच्चों को गिफ्ट दिया जा रहा है। और हम लोग पहले भी कई बार ऐसे शादियां करा चुके हैं हमारी संस्था के द्वारा।